गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है डे 3। एक्चुअली हम लोग चेकआउट कर चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं वापस बैंगलोर के लिए। बाकी आज हम लोग निकल गए थे अराउंड 10:15 ऊटी से। एंड हमने क्या किया था कि मसीनागुड़ी में एक ज़ीरो बुकिंग स्टे बुक कर लिया था booking.com से और फिर कैंसिल कर दिया था, बट एटलीस्ट हमारे पास वो बुकिंग कन्फर्मेशन आ गया था। तो उससे हम एक्चुअली करना ये चाह रहे थे कि अगर हम मसीनागुड़ी, जो कि वन वे रूट है ऊटी आने के लिए, उससे अगर हम जा पाएँ तो वो एक्चुअली काफ़ी टाइम सेविंग है। उससे 50 किलोमीटर्स आपके बच जाते हैं। एंड तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हमें बताया कि बाहर की व्हीकल्स अलाउड नहीं है, सिर्फ TN43 रजिस्टर्ड व्हीकल्स है वो अलाउड है। और आपने बुकिंग की हो, कुछ भी की हो, मतलब प्राइवेट व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, ओनली एंड ओनली इफ़ यू टेक अ लोकल ड्राइवर अलॉन्ग विथ यू तो आप लोग जा सकते हैं। तो 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये नेगोशिएट करने पे वहीं पे लोकल ड्राइवर्स खड़े होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली 20 किलोमीटर जितना घाट सेक्शन है मसीनागुड़ी से थोड़ा पहले तक का, वहाँ तक आपके साथ वो आपकी गाड़ी ड्राइव करके आपकी गाड़ी में आएंगे। आपको उनको 900-800-1000 रुपये देना होगा डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल यू नेगोशिएट। एंड मतलब तब आपकी गाड़ी अलाउड है और फिर नीचे आने के बाद आप अपना अपना जा सकते हैं। तो मैं उसकी क्लिप्स अभी हम लोग ने एक्चुअली किया था वो, तो हम मैं उसकी क्लिप्स डाल दूंगा। एंड एनीवे आप कोई दूसरे रास्ते से भी अगर ट्राई करना चाहे मसीनागुड़ी, उस तरफ से, इस तरफ से, मतलब नहीं हो पाएगा क्योंकि कलहट्टी में एक चेक पोस्ट आता है तो वहाँ पे ड्राइवर का लाइसेंस वगैरह सब कुछ चेक होता है। तो सारी क्लिप्स अभी आप लोग देख ही लेंगे, तो ये बताना था। बाकी सेकेंड अपडेट इज़ कि हम लोग ने मसीनागुड़ी में जीप सफारी ली थी। मसीनागुड़ी हम लोग पहुँच गए थे क्योंकि जल्दी, तो हमने सोचा कि चलो ले लेते हैं। तो 1200-1500 इसका कॉस्ट है, पर्सनल व्हीकल होता है आपका, एंड इट इज़ एब्सोल्यूटली वर्थलेस। 1 से 1.25 घंटे की सफारी होती है और वो कोई जंगल सफारी किसी भी एंगल से नहीं है। तो आई वुड नॉट एट ऑल रिकमेंड कि आप लोग ये लें। हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट, टाइम से ज़्यादा मनी वेस्ट हुआ है, बिकॉज इट इज़ मतलब बिल्कुल भी। ये लोग क्या करते हैं, एक कोई मंदिर है, थोड़ा ऑफ रोड है, वहाँ पे ले जाके खड़ा कर देंगे, देन दे विल कम बैक, फिर थोड़ा मेन रोड पे ही लेके जाते रहते हैं। मतलब कोई जानवर नहीं दिखता, कुछ नहीं, बस ये लोग स्पॉट्स पे जा जाके आपको वीडियोस दिखाने लगेंगे फ़ोन में कि यहाँ पे कभी कुछ दिखा था किसी ज़माने में। तो मतलब इट्स नॉट एट ऑल वर्थ इट। इससे ज़्यादा जानवर तो आप लोग नॉर्मली अगर बांदीपुर से ऊटी आते हैं तो ही आपको, मतलब मेन रोड पे उससे ज़्यादा जानवर दिख जाएंगे इफ़ यू स्पॉट वेल। तो मतलब इट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बिल्कुल मत लीजिए, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली वर्थलेस। यही बताना था, मैं गलती कर चुका हूँ, आई होप आप लोग ये गलती ना करें। मतलब ये इतना घटिया एक्सपीरियंस था कि मैंने शूट भी नहीं किया, मुझे इच्छा ही नहीं शूट करने की। बाकी अब बस हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए, स्ट्रेट अवे जाएंगे, बस बीच में लंच करेंगे, देखते हैं अगर कोई जानवर मिल जाए तो अच्छी बात है बीच में। ये अभी हम लोग निकल गए और यहाँ पे हमें ज़्यादा एनिमल्स दिख रहे हैं, ज़्यादातर मतलब सोपोर्ट जंगल। तो वही है, आपको अगर सच में जंगल सफारी एक्सपीरियंस चाहिए तो आई वुड रेकमेंड कि बांदीपुर या उधर से, मतलब जेन्युइन जंगल सफारी लो, एटलीस्ट दे विल गिव यू द प्रॉपर एक्सपीरियंस। नो डाउट वो बहुत एक्सपेंसिव है, हमने पता किया था तो इट्स 3750 पर पर्सन, तो वो एक्सपेंसिव पड़ेगा। 3 घंटे की सफारी होती है, सुबह 6 से 9 और शाम को 3 से 6, बट इट्स एक्चुअली बेटर देन दिस। मतलब इफ़ यू आर कॉलिंग इट अ जंगल सफारी,
कम से कम जंगल में तो लेके जाओ आप, मैं तो जंगल में भी नहीं ले जा रहे हैं, तो वैसे ही है, डिसअपॉइंटिंग था काफी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द कॉन्टेंट एंड सी यू लेटर इन द नेक्स्ट व्लॉग।